ने किया बहुत बड़ा एहसान, इसी भाई बन गया तुम्हारा पहलवान। सीएनजी पंप आ चुका है मेरी जान, चलते हैं गैस जलाते हैं, मौज उड़ाते हैं, उसके बाद जो है ढेर सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना ब्रो? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस तारीख है आज अपनी 5 दिसंबर 2023 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के कितने 9:27। जी हाँ दोस्तों 9:30 बज चुके हैं। 1,70,021 किलोमीटर तुम्हारा भाई गाड़ी अभी तक चला चुका है और अभी ना दोस्तों मैं गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा हूँ, बिल्कुल गर्म हो रही है अपनी गाड़ी। डिजायर आज बुलेट बन के मानेगी भाई, यार थोड़ा स्टार्ट करनी चाहिए ना सर्दियों में, यार अच्छा होता है थोड़ी देर स्टार्ट करके रखनी चाहिए फिर चलानी चाहिए भाई, जो ऑयल वॉयल होता है ना वो सारी जगह फैल जाता है। अभी ना दोस्तों मैं तैयारी कर रहा हूँ डिवाइस ऑन करने की, लेकिन सबसे पहले लोकल बंद करते हैं, आउट स्टेशन खोलते हैं क्योंकि अभी हम लोगों को गैस फुल करानी है। अच्छा दोस्तों गैस तो मेरे पास हाफ है कल की बची हुई, लेकिन उसके बावजूद ना गैस फुल इसलिए करानी जरूरी है बिकॉज शाम तक ना फिर आसानी रहती है यार बचत निकालने में, समझ रहे हो? जब डिवाइस खुलती है तो ये फोन आता है, सुनिए। यार इसको समय बर्बाद कर रही। तो दोस्तों अभी ना गैस, हाँ जैसा कि मैं बता रहा था, गैस जलवाना ब्रो इसलिए जरूरी है बिकॉज यार अपन को ना बचत का अंदाजा प्रॉपर तरीके से होता है। देखो डिवाइस अपनी खुल गई है, आउट स्टेशन ही अभी ऑन है, डिवाइस में जब मैं गाड़ी में जब मैं गैस फुल करवा लूंगा उसके बाद फिर जो है लोकल ऑन करूंगा। और मौसम की बात करें भाई, कल का तो दिन यार अपना मौसम के चक्कर से खराब हो गया था, बट आज का थोड़ा सा ठीक है, धूप वूप हल्की फुल्की निकल रही है यार, ठीक है। तो अभी ना सबसे पहला काम क्या है कि चलना है गैस फुल करानी है, अप्रोक्स वही 350 के आसपास में आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर चलना है बिजन स्वरूप पार्क, वहां बढ़िया से चाय वाय पीनी है, डिवाइस ऑन करनी है लोकल के लिए और उसके बाद जो है अपना लोकल स्टार्ट कर देना है, अगर उसके बीच में आउट स्टेशन नहीं आती इन सारे कामों के बीच में तो, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और दिखा दूं भाई साहब, मैंने डायरी बनाई थी उस दिन, आपको दिखाया भी था राइट, तो देखो हमने डायरी में ना नोट डाउन भी करना शुरू कर दिया भाई, जैसे कि 3/3/2023 में हम लोगों ने 2255 रुपए कमाए थे, अर्निंग 700 रुपए की गैस लगी थी, सेविंग आई थी अपनी 1555 रुपए राइट। फिर 4/12/2023 में 843 का हम लोगों का ऑपरेटर बिल था, 350 की गैस लगी थी, 500 की बचत आई थी, तो ये देखिए सेविंग के नीचे, मतलब एग्जैक्ट मैं वही अमाउंट लिख रहा हूँ जो कि मेरा बचा था, मतलब जब लास्ट में हम लोग इसको प्लस करेंगे ना, पूरा ऐड करेंगे ना एक हर एक अमाउंट को, तो आप मिला सकते हो सारे दिन के व्लॉग में, हम कहीं में भी हेर फेर नहीं करेंगे भाई कि आपको लगे कि नहीं पैसा बढ़ाने के चक्कर में जो है जैसे इधर उधर एडिट वेडिट मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, एग्जैक्ट वही मिलेगा जो आया था, ठीक है ब्रो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बिकॉज 9:30 बज रहा है, चलते हैं जल्दी से गैस जलाते हैं क्योंकि आज जितना टाइम खराब करेंगे उतना अपने लिए ही खराब है, ठीक है ना ब्रो, और चलते हैं सीधा, ठीक है। कैसे बनी भाई साहब टारगेट पूरा करने के लिए ओला ने कर दिया है बेहतरीन सा सिस्टम, वो है ये इंसेंटिव आज की डेट में चालू हो चुका है, कल चालू नहीं था आज चालू हो चुका है। तो भाई साहब ओला ने किया बहुत बड़ा एहसान, इसी भाई बन गया तुम्हारा पहलवान, सीएनजी पंप आ चुका है मेरी जान, चलते हैं गैस जलाते हैं, मौज उड़ाते हैं, उसके बाद जो है ढेर सारा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना ब्रो। सो गाइस वो देख सकते हैं सामने की तरफ, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैं धूप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, परेशान हो गए कल से यार, धूप नहीं दिख रही है यार, बताओ कल मौसम के चक्कर में ना भाई अपना लॉस चला गया यार भाई। फिलहाल अभी ना भाई तुम्हारा जा रहा है बिजन स्वरूप पार्क चाय पीने, और गैस का सीन आप देख सकते हैं, गैस ना अपन फुल करवा चुके हैं, ठीक है, 336 रुपए की आई है भाई, तो 340 रुपए अपने चाचा ने काट लिए हैं, जैसा कि हम बता भी चुके हैं हमेशा वो गुल्ली सेट किया करते हैं 4-5 रुपए की, तो वो सेट हो चुकी तुम्हारे भाई की। और आज ना यार भाई कल तो काम अपना अच्छा हो नहीं पाया था, आज भाई इंसेंटिव भी चालू कर दिया है ओला ने, तो आज तो तुम्हारा भाई 15 बुकिंग इंसेंटिव वाली और 5 बुकिंग और एक्स्ट्रा करेगा भाई, समझ रहे हो, इतने सारा काम करने की मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, देखो हो पाता है कि नहीं यार, बाकी हम तो सोच रहे हैं भाई कि होएगा, हम करेंगे 20 बुकिंग कम से कम, बाकी प्रभु की इच्छा भाई, देखो क्या होता है। ये हैंडलूम एक्सपो के पास मैं पहुंच गया हूँ, बिजन स्वरूप पार्क इधर है, बस बिनेस्टी शिक्षा निकेतन क्रॉस किया और ये बिजन स्वरूप पार्क के अंदर की मेट्रो की लाइन दिखने लगी, और बस आगे से मैं राइट लूंगा और उसके बाद मैं स्ट्रेट चलूंगा दोस्तों, और फिर आ जाएगी अपने ओम भाई की दुकान, समझ रहे हो यार।
तो चलते हैं सीधा चाय वाय पीते हैं, काम का सीन देखते हैं, उसके बाद ठीक है भाई समय बहुत ज्यादा खराब नहीं करेंगे। 9:48 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 10 बजने जा रहे हैं, 10 मिनट बाद 10 बज भी जाएगा, ठीक है ना ब्रो। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, जगह नहीं है, गाड़ी निकाल, शीशा है लड़ गया। अबे भाई लड़ने से याद आया दोस्तों, अपन ना यार 5 राइडें कंप्लीट कर चुके हैं भाई साहब, ठीक है, और छठी भी आ गई थी भाई। लेकिन समस्या ये थी यार कि छठी राइड का जो ड्रॉप लोकेशन था ना, बात ये थी कि भाई वो एडवांस आई, 5वीं हम कंप्लीट कर रहे थे तो एडवांस आ गई, तो हमने उठा ली यार। फिर जब बात करी तो हमको ना ड्रॉप लोकेशन थोड़ा सा समझ में आया नहीं, तो फिर यार हम ही ने उसको कैंसिल कर दिया यार, मन नहीं कर रहा था वहां पे जाने का जहां की राइड आई थी, ठीक है। तो अभी ना दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं समय की, तो वो हो रहा है 1:48, जी हाँ दोस्तों 2:15 बजने जा रहे हैं। और अगर हम लोग ऑपरेटर बिल की बात करें तो वो दोस्तों बस अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी किनारे लगाते हैं और उसके बाद ना फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर बिल कितना मिला है हम लोगों को इस 5 राइडों का। तब तक आप ये देखो, मस्त सा सिविल लाइंस का एरिया है ये, बेहतरीन सा है, एक नंबर बिल्कुल, ठीक है। और वो आगे लाल इमली है भाई साहब अंग्रेजों की, ठीक है। गाड़ी यहीं पर मोड़ते हैं और किनारे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको जगह ज़्यादा अच्छी दिख रही है। वाह एक नंबर, ये देखो कितनी प्यारी जगह है ना ब्रो, यहाँ पे लगाता है तुम्हारा भाई। तो अभी ना यार बात करें अगर ऑपरेटर बिल की, तो वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, 564 रुपये का ऑपरेटर बिल है 5 राइडों का। समय देखिए 13:48, मतलब कि 1:48 10 कह रहा हूँ भाई, 10 मिनट बाकी हैं 2 बजने में, बोल तो बाबा हम सही रहे। 10 10 10 10 10, ये देखिए दोस्तों ये वाली राइड हमने कैंसिल करी है, और बाकी ये तो कस्टमर ने कैंसिल करी थी, ठीक है, और बाकी कोई नहीं कैंसिल हुई, बाकी सारी हो गई यार, ठीक है। तो 5 हुई है यार, 2 बज रहा है, 5 के हिसाब से अभी तो मामला मेरा सही चल रहा है भाई। ऑपरेटर बिल भी कोई बुरा नहीं है, है ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी राइडें करी नहीं है, तो इसकी वजह से यार इतना ही है। तो अभी ना दोस्तों फिर से कंटिन्यू करते हैं भाई, अभी तो 5 हुई है, अभी 10 हो जाएंगी तब मैं फिर से एक बार आपको दिखूंगा ऑपरेटर के साथ में, ठीक है ब्रो। तो कंटिन्यू करते हैं अपना काम, और 20 राइडें करनी है ऐसा मैंने सोचा था सुबह, देखते हैं हो पाती है कि नहीं, ठीक है भाई। सो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर से शाम में, सुहानी शाम है। ऋषि भाई तुम्हारा जो है ना इस समय चिड़ियाघर के आसपास में टहल रहा है यार भाई, कितना सन्नाटेदार एरिया है। शीशा देख लो भाई के साथ कितना गंदा है अपना ना यार, खैर अब तो बहुत ज्यादा ही गंदा है यार, मजाक से हटके भाई, है ना। खैर क्या करना, गंदा रहे दो भाई, हम लोगों को थोड़ी देर बाद घर चले जाना है, लेकिन यार पता है उस घर जाने में ना अभी काफी समय है, बिकॉज यार अभी ना अपनी टोटल 10 राइडें हुई हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था ना कि भाई जैसे ही 10 राइडें अपनी होंगी फिर मैं आपसे मिलूंगा, राइट। तो अपनी 10 राइडों का टोटल ऑपरेटर बिल देख सकते हैं आप, 1151 रुपए है, और 18:16 मतलब के 6:16 हो चुके हैं भाई, 6:17 यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट है भाई, ठीक है। तो 6:16 हो गए हैं, और 1150 रुपए का ऑपरेटर हो चुका है तुम्हारे भाई का, और भाई साथ में ना ये इंसेंटिव भी हो गया है तुम्हारा 175 वाला, ये दो था ना 175 अर्न हो गया, 300 वाले में 5 बुकिंग बची, अगर 5 बुकिंग और करूंगा मैं तब ये 300 वाला इंसेंटिव आएगा, और अभी 1150 का ऑपरेटर है, ठीक है ना ब्रो। तो बस यार राइड का वेट ही कर रहा हूँ मैं, डिवाइस देख सकते हैं आप ऑन है अभी, मैंने बंद वन नहीं किया है, और अभी जस्ट मैंने राइड को क्लोज ही किया है, ठीक है भाई। तो जैसे ही राइड आएगी अपनी 11वीं भाई अपन करने लगेंगे, ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, बिकॉज यार ऑलरेडी 6:15 हो चुका है, 6:17, ठीक है, तो यार समय उतना ज्यादा है भी नहीं, फिर यार घर भी चलना है, लेट हो जाएगा फिर, है ना ब्रो। तो जल्दी से यार 5 राइडें निपटाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अच्छा गैस का भी बहुत ज्यादा सीन नहीं बचा, देख सकते हो आप, केवल और केवल 2 डंडी बची हुई है, मतलब हो जाएगी 5, उस दिन भी इतनी थी तो अपनी 5 हो गई थी, बहुत आराम से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार इतनी बहुत चलती है अभी, ये वाली पूरी चलती 20-25 किलोमीटर, ये चलती 20-25, ये चलेगी अभी इस पे आई है कम से कम 10-15-20 तो चलेगी, ये वाली कम चलती है फिर भी 15-20 तो चली जाएगी, है ना ब्रो। तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस का इशू नहीं है, वो तो अपना हो जाएगा, लेकिन यार 20 राइडें सोची थी उसका तो हमको नहीं पता, लेकिन 15 तो तुम्हारा भाई करके मानेगा ही मानेगा, है ना ब्रो। तो देखते हैं कितनी देर में आती है अपनी 11वीं बुकिंग, और फिर अपना टोटल ऑपरेटर कितना होने वाला है, ठीक है। सो गाइस मैं बता दूं आपको कि फाइनली ना यार अपनी 15 राइडें हो गई है, और ये रहा अपना मोती झील के अंदर का नजारा भाई साहब, कुछ भी कहो यार कानपुर भी है यार बढ़िया शहर, समझ रहे हो, बस यार मेरा शीशा गंदा है इस वजह से खूबसूरती निखर के आ नहीं पा रही है, शीशा मेरा अगर साफ होता भाई तो कानपुर भी बहुत प्यारा लगता, हालांकि प्यारा है भाई, लेकिन शीशा गंदे होने की वजह से नहीं लग रहा है,
समझ रहे हो, देख रहे हो भाई खूबसूरती देखो, खाली शीशा गंदा ना होता तो भाई मतलब बात ही कुछ और थी। खैर क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बात यह है कि 15 राइडों तो मैंने कंप्लीट कर ही ली है, और मोती झील मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो अपने 15 राइड के कस्टमर थे ना उनको मैंने ड्रॉप भी यहीं पे किया था। ठीक है ब्रो, अब बात करते हैं हम लोग अपने ऑपरेटर बिल की कि टोटल हुआ कितना है अपना 15 राइडों का। यार उस दिन का ज्यादा था, आज का कम है यार भाई, समझ रहे हो, मतलब आज का टोटल ऑपरेटर बिल है देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मतलब दूसरे फोन की स्क्रीन पे 1593 रुपए, यानी कि अगर आप राउंड फिगर मानो तो 1600 रुपए मान सकते हो भाई, 7 ही रुपए कम है यार, कोई ज्यादा तो कम है नहीं, उतना तो हर राइड पे 2-2, 4-4 रुपए एक्स्ट्रा हो के खत्म हो जाता है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, तो उसको आप 1600 मान सकते हो यार। ठीक है, और 300 रुपए का इंसेंटिव भी तुम्हारे भाई ने यार इसमें पैदा कर लिया है। ठीक है, तो 1900 रुपए तुम्हारे भाई ने कमाए हैं 20:21, मतलब कि अभी 8:30 भी नहीं बजे भाई। ठीक है, और टोटल 1900 रुपए में अगर हम लोग गैस की बात करें ना तो भाई साहब अभी ये रिजर्व पे आइए। ठीक है, तो आप ये मान लो कि यार अभी घर जाएंगे फिर कल सुबह गैस जलाने जाएंगे तो उसमें जो है ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया पूरा पूरा टैंक भाई। ठीक है, तो 700 रुपए की गैस उड़ा दो आप 1900 में, तो 7 दोनों मतलब उधर 1200 पे भाई आज 1200 रुपए बचा यार, बताओ 15 राइडे कर ले उसके बाद भी 1200 बचा, कोई बात नहीं यार, आज राइडे भी तो छोटी छोटी थी, ज्यादा बड़ी राइडे हो नहीं पाई। उस दिन पता है सीन क्या था यार, कि उस दिन मेरा ना एक बिल बढ़िया आ गया था तो इसकी वजह से भाई वो 250 रुपए एक्स्ट्रा हो गए थे, आज वो वाला बिल यार कोई अच्छा आया नहीं है तो इसकी वजह से आज नॉर्मली है यार, है ना भाई। तो अभी ना टोटल यार अपन 1200 रुपए बचाए हैं सुबह से गैस निकालने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब 1900 में गैस 700 हटा ली हम लोगों ने, उसके बाद 1200 बचा है। ठीक है दोस्तों, और समय जैसा कि आपने देखा वैसे 8:22 है, ये फिर से देख सकते हैं आप 8:22। यार दोस्तों एक चीज है भाई, अगर मेरे में गैस होती भाई 1 या 2 डंडी अभी होती तो हम यार 20 राइडे करके मानते हैं, लेकिन यार अब गैस है नहीं, अब हम डलाने से रहे यार, अब गैस कौन नहीं डलाए फालतू में डलाएंगे, फिर वो 200 निकाले, पहले हम 200 की गैस डलाए फिर हम 200 निकाले फिर हम 200-300 प्रॉफिट आउट निकाले, उससे अच्छा भाई चलते हैं सीधा घर यार, 8:30 रहा काहे के लिए जान देनी है कि नहीं भाई, 15 राइडे जोक दी बहुत है यार, क्यों बाबा सही कह रहे हम। तो अभी ना दोस्तों सीधा चलते हैं घर और व्लॉग को ना यहीं से करते हैं एंड। बाकी चैनल को दोस्तों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स पावर। टेक केयर दोस्तों।